ये मौका ज़रूर होता है जब आप देखते हैं कि कहाँ हम जा रहे हैं और किधर किस नहज पे पहुँच गए हैं और आगे कैसे होगा। क्या हमारा पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर रही हूँ, नमक से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने लगा है। वाह मोदी जी वाह, क्या कहते हैं आप? हमने सोलर पे कन्वर्ट कर दी है गाड़ियाँ, हम पानी से चला रहे हैं। क्या कहाँ चल रही हैं? चल रही हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ चल रही है? हो रही है ना, लेकिन मैं इंडिया का होता तो अच्छा होता, मगर सारे ख्वाब टूट गए। अल्लाह तौबा, चल कहाँ रही है? चलेंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह चलेंगी, पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी आएगी। उसके लिए उन्हें अमन और शांति चाहिए, बगैर अमन और शांति के इनके मसले हल पाकिस्तान के भी और इस गवर्नमेंट के बिल्कुल नहीं हो सकते। एलोन मस्क साहब जो हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि वो इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में उनकी मुलाकात होगी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से। तो वही ना, पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं कर रहा। हमारे पास इतना जहन नहीं, इतना अकल नहीं है ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा, साइंस नहीं हमारे पास। हाय रे किस्मत कि यहाँ भी उल्टी गंगा बह रही है। मुल्क के 40% लोग जो खत गुरबत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए अपने बच्चों को नए कपड़े और जूते दिलवाना नामुमकिन हो चुका है। ये फ्री फॉर ऑल कंट्री है, ना कानून है, ना आईन है, ना किसी को परवाह है किसी चीज की। बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, जंगल का कानून है, जिसके पास लाठी है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास जो भी ताकत की चीज है ना, वो अपने से नीचे वालों को रगड़ा लगा रहा है। ये जान लो के लोगों की भारी अक्सरियत बुनियादी तरीन जरूरतों से भी महरूम हो चुकी है। एलोन मस्क एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, जिसमें वो बताएंगे कि वो कितने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने लगे। ये है 1450 साल पहले हमें बताई गई सच्चाई, हम मुनाफिक हैं। सारे इंडिया की तो बात ही नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। साथ ही पाकिस्तानियों की छाती पे, उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है? तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और भी बिजली चार्जिंग वाली। वो जिम्मेदारी आती है रियासत के ऊपर, वहाँ रियासत फेल हुई है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सतह गुरबत से नीचे से नहीं होना चाहिए। पैसा बर्बाद पहन। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये रहा कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, भारत कैसे पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है? एक फिगर ही काफी है कि आपका जो तमाम जो आपका रेवेन्यू आता है, जितना भी आता है, तकरीबन 7,000 अरब के करीब है, उसका 90% आपका सूद की अदायगियों में चला जाता है। Exactly. क्या गुंडा बनेगा रे तू? हर एक काम में वो हमसे आगे हैं। बल्कि इसके साथ उन्होंने वहां पर इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी है, क्योंकि जो भी कंट्री वहां पर जाता है इंडिया में अपना काम लेकर, तो उसके लिए जो है वो किया जाता है कि टेक्नोलॉजी दो तो फिर ठीक है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं। तो वो कहाँ से आएगा? तो जाहिर है फिर वो कर्जा लिया जाता है, कर्जे अदा करने के लिए कर्जा लिया जाता है और हम एक डेट ट्रैप में फंस गए हैं। तो आपका धोती बेचेगा मेरा? देखिए टेक्नोलॉजी में आप देखिए कि हाँ इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, लेकिन हर फील्ड में जो है वो इस पे प्रोग्रेस भी हो रही है। और फील्ड में प्रोग्रेस हो रही है, मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रही, बल्कि पूरी दुनिया को नजर क्यों नहीं आ रही? आपके पास कौन सी प्रोडक्ट इस वक्त मेड इन पाकिस्तान की है बताएं? मेरे पास कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, काफी है, ऐसा नहीं है। नहीं, इस वक्त मेरी सुजुकी कल्टस में मैं आई हूँ। पाकिस्तानी कल्टस इज नॉट अ पाकिस्तानी ब्रांड। पाकिस्तानी ब्रांड है, इट्स नॉट अ पाकिस्तानी ब्रांड। इम्पोर्टेड है, लेकिन वो उसके पार्ट्स उसके सारा इजी है, यहाँ पर पाकिस्तान में भी मेक हो रहे हैं। वहाँ बाहर से आते हैं पार्ट्स, हम सिर्फ असेंबल करते हैं, वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है। नहीं होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं है, चीप कास्ट है और इजीली अवेलेबल भी। कल्टस इज नॉट अ। अच्छा चलें, आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, टेक्नोलॉजी में हमारा वर्ल्ड में कितना नाम है और भारत का कितना नाम? नहीं, ऑब्वियसली भारत या इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन उस लेवल पे नहीं है, लेकिन बहुत सी जो लाइक वो स्पेस में उनकी बहुत, आप देखें कि बहुत उनके अचीवमेंट्स हैं और बहुत रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किए हैं वहाँ पर, लेकिन हम उस जगह पे नहीं स्टैंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली वी नीड टू सम टाइम टू रीच एट देयर लेवल। वो बहुत मेहनती कौम है, हमारी कौम में थोड़ी सी, आप देखिए हम किधर जा रहे हैं, सोशल मीडिया हमें छोड़ता ही नहीं है। हमारे यंगस्टर्स को ऑल टाइम दे आर जस्ट इंडल्ज इन द एक्टिविटीज के मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है। इवन जो बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका काम क्या है कि वो सोशल मीडिया के साथ इतने इन टच रहते हैं, लेकिन वो अपना मोस्टली टाइम जो कि प्रीशियस है वो सिर्फ इसी में जो है वो हो गए। ऐसे कंट्रीज में सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सी अर्निंग कर रहे हैं बच्चे, लेकिन बात ये यहाँ पर गलत इस्तेमाल होता है। चॉइस की बात है ना, कि आप सोशल मीडिया में किस चीज़ को देख रहे हैं। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ।
अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। तो वही ना, पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं कर रहा। हमारे पास इतना जहन नहीं, इतना अकल नहीं है ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा। साइंस नहीं हमारे पास, जब हमारे पास साइंस होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन पाकिस्तानी साइंस को मानते भी तो नहीं है। साइंस को मानना पड़ेगा, जब तक साइंस को नहीं मानोगे तो कैसे चलोगे आगे। जापान मान रहा है, चाइना मान रहा है, इंडिया मान रहा है, जब वो मान रहे हैं आबादी में कितना आगे चले गए हैं, हर एक काम में वो हमसे आगे हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस नहीं है। साइंस होगी तो टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी में इजाफा होगा, आबादी में इजाफा होगा, बाहर से लोग आएंगे हमारे पास। पाकिस्तान है एक खूबसूरत मुल्क है, लेकिन ये ख्वाब जो है वो कब तकमील तक पहुँचेगा। हमारे मुल्क में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो काबिले दीद देखने आए लोग। हुक्मरानों को चाहिए कि पाकिस्तान को मजीद आगे लेके जाएं। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, नमक से बनने वाली गाड़ियाँ और नमक से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने लगे। बस जी, मैंने आपको पहले बताया, वो एक आबादी के लिहाज से भी वो हमसे आगे है, और वैसे भी उनमें थोड़ी साइंस है। नहीं, बहुत है, बहुत कह सकते हैं आप, बहुत है, तो इसलिए वो बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। कोशिश करने वाली बात है, करने वाले की हार नहीं होती। जी बिल्कुल, हम कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। बेटा आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या कहते हो, भारत कहाँ है आज? भारत कहाँ है? भारत तरक्की में, प्रोग्रेस में कहाँ है? हमसे तो आगे है, हमसे आगे है। हमसे आगे कैसे वो आगे निकल गए? बस उनके पास अकल है, जहन है, उसलिए वो आगे है। अकल है, जहन, आपको क्या लगते हैं, वो कोशिश करते हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, खूबसूरती हम पर तो नाजिल हुई है, क्या बात कर रहे हैं। हुई है ना, बनाने वालों ने खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, आप मानते हैं? हुआ के नहीं, आजाद हुआ के। आप कैसे कह सकते हैं वहाँ खूबसूरती नहीं है, यहाँ नहीं है? कुदरत वहाँ भी है, यहाँ भी है ना, लेकिन वो देखें, उधर कम मुसलमान, इधर ज्यादा मुसलमान। तो ये खूबसूरती है? तो खूबसूरती की बात नहीं है, एक अकल भी होनी चाहिए। वो उधर कम मुसलमान है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आबादी के लिहाज से भी। यहाँ पर शरीयत तो है नहीं, शरिया लो तो है नहीं, कैसी बातें करते हैं, कौन सा इस्लामिक कंट्री? ये बात तो आपकी ठीक है। मेरे साथ तरक्की पे, इकोनॉमी पे बात करें ना, हमारी चीज में रिलीजन को क्यों ले आते हैं? आपकी बात ठीक है, बिल्कुल मानने वाली है। हम आगे आ जाए सर, हम बात कर रहे थे बेसिकली, जब से पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान को हमने हासिल किया, तब से लेकर अभी तक कौन सी टेक्नोलॉजी हमने बनाई है? हमारा पड़ोसी मुल्क भारत की बात करी, नमक से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने लगा है, क्या कहते हैं आप? हमने सोलर पे कन्वर्ट कर दी है गाड़ियाँ, हम पानी से चला रहे हैं। कहाँ चल रही हैं? चल रही हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ चल रही है? हो रही है ना, चल कहाँ रही है? चलेंगी इंशाल्लाह चलेंगी। पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी आएगी, चलेंगे हमारे बंदे, ये जो हमारी हुकूमत है अगर सपोर्ट करे, उनके साथ चले, करे तो भारत में ये है कि वहाँ की हुकूमत स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी, तो इस वजह से वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम डिपेंड करते हैं किसी के ऊपर। कौन सी टेक्नोलॉजी है सर? टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी है। अब ये देखें, पाकिस्तान के पास जो जेट तैयारे बने हैं, F-17 तैयार है, भारत बनाया पास नहीं है। किसने बनाया? पाकिस्तान ने खुद बनाया है। 17 किसने बनाया? F-17 पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर इश्तराक से बनाया। चाइना, वो चाइना ने बनाया, पाकिस्तान का नाम तो सिर्फ एक हम लोगों ने साथ जोड़ा हुआ है, सिर्फ इज्जत बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी तो चाइना की है, टेक्नोलॉजी जरूर चाइना की है, कोई भी काम होता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर ही होता है। एक बात आपसे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हमारी सारी टेक्नोलॉजी आती है चाइना से है। सुई को देख ले, चाइना की बनी हुई, घर में पड़े हुए बर्तनों को देख ले, चाइना के बने हुए, बाथरूम में यूज होने वाली चीजें चाइना की बनी हुई, तो देखिए सारा कुछ तो वो कर रहे हैं, हम लोग कौन सा कर काम कर रहे हैं। सर अगर हम उनके एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो उनका दुनिया में नाम है, क्या वजह है कि आज वो टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपना नाम कमाया है? हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहली चीज हम अपना एटम बम डिस्प्ले करते हैं कि लो भाई हम एटमी पावर है, जबकि दुनिया देखना चाहती है इकोनॉमी को, वहाँ हम मार खा जाते हैं, क्या कहते हैं? असल में कुछ चीजें सीक्रेट होती हैं, वो नहीं बतानी चाहिए। कोई बात है, आप राज खोल दें। नहीं, कुछ चीजें सीक्रेट होती हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अब ये देखें, हुकूमत चेंज होती है, वो कहाँ से पैसा आ जाता सारा कर रहे हैं, कौन से नंबर की मईशत है हमारी, आपको पता है? वो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आवाम को भी तावन करना चाहिए इसमें, हमें पाकिस्तान की मईशत है कहाँ। वो ठीक है, निकलो यहाँ से बदतमीज कहीं के, चलो यहाँ से। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ठीक है, बेहतर है, लेकिन हमारे थोड़े से जो सियासतदान है, अगर इस पर तवज्जो दें
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ज़रूर जो है आगे जा सकते हैं। आगे जा सकते हैं, मैं तो चाहती हूँ हमारे मुल्क का भी एक नाम हो, क्योंकि जब बाहर की कंट्रीज की स्टेटमेंट सुनते हैं, एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट होती है, तो वो बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं अच्छी लगती। ऑब्वियसली हम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के तो नहीं अच्छी लगती, और लेकिन उनमें सच्चाई तो होती है। वो ठीक है, आपकी बात होती है, सच्चाई तो है, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी एज ए पाकिस्तान हमें पाकिस्तान को ही सपोर्ट करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन गलत चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करूँगी, जो गलतियाँ हैं वो पाकिस्तान की गलतियाँ हैं, उसको हमने ही दुरुस्त करना है, किसी बाहर से किसी ने नहीं आके करना। मेड इन पाकिस्तान की एक बनी हुई टेक्नोलॉजी जो दुनिया का हमने लेनी है। नमक है कुदरती टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, कुदरती चीज़ों की नहीं। टेक्नोलॉजी बस ऐसे ही है ना, साथ साथ बढ़ती हैं। डेफिनेटली टैलेंट तो है, आप ये कहेंगे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, लेकिन इसको प्रमोट करने की बात है, अवेयरनेस देने की बात है, फैसिलिटेट करने की बात है। आप कीजिएगा सर, आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये बात सच है। ये जो आप टैलेंट की बात कर रहे हैं, कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस टैलेंट को बाहर निकाला, हमारे लिए ही क्यों गेट आउट पाकिस्तान इसके ट्रेंड लगते हैं। यूएई ने 24 शहरों को हमारे बैन किया कि हम नहीं देंगे 24 शहरों को, पाकिस्तानी 24 शहरों को वीजा नहीं देंगे। सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान ने कहा पाकिस्तानी नहीं चाहिए हमें ज्यादा, ये लम्हा फिक्रिया नहीं है, बताएं फिर कौन सा टैलेंट की हम बात कर। वो आपकी बात ठीक है, अब एक घर में पांच भाई रहते हो तो पांचों की सोच एक सी नहीं हो सकती है, पांचों उंगलियां एक सी नहीं है। सो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आजकल जो इलेक्ट्रिक कारों की मार्केट चल रही है, जो आजकल इलेक्ट्रिक कारें बन रही हैं, उनमें लगने वाली बैटरीज लिथियम आयन के ऊपर आधारित होती हैं, लेकिन भारत ने सोडियम आयन के ऊपर आधारित बैटरीज बनाकर तैयार कर ली है, और इस बैटरी से चलने वाली कारें आने वाले वक्त में और ज्यादा सस्ती होने वाली हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार हमेशा भारत के लोगों के लिए अफोर्डेबल कारें बनाना चाहती है, ऐसी कारें बनाई जाएं जो भारत के लोगों के लिए अफोर्डेबल हों, भारत के लोग उनको आसानी से खरीद सकें। जैसा कि आपको पता है कि टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी, लेकिन सोडियम आयन से बनने वाली बैटरीज और उनसे चलने वाली गाड़ियाँ इन गाड़ियों से बहुत ज़्यादा सस्ती होने वाली हैं। आने वाले टाइम में ये बैटरीज गाड़ियों में लगाई जाएंगी, और भारत में सोडियम आयन से बनने वाली बैटरी से चलने वाली कारें आने वाले वक्त में रोड्स पर दिखने वाली हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का और पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन आपने देखा, पाकिस्तान के लोगों को इसके बारे में ABCD भी नहीं पता होगी, पाकिस्तान के लोग इसके बारे में बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं, जैसे कि आपने सुनी है। कोई पाकिस्तानी ये बोल रहा है कि भारत की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में पाकिस्तान का सॉल्ट, जो पाकिस्तान से सॉल्ट निकलता है, उसको पाकिस्तानियों द्वारा भारत की टेक्नोलॉजी से कंपेयर किया जा रहा है, कि भारत ने अगर सोडियम आयन से बनने वाली कारें बना ली हैं तो पाकिस्तान में सॉल्ट निकलता है। पाकिस्तान के लोगों का लॉजिक से कोई वास्ता नहीं होता, पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने देश को भारत से ऊपर दिखाने की कोशिश करनी होती है, अब उसमें वो कितने कामयाब होते हैं ये आप सबको पता। पाकिस्तान के लोग इस तरह की बेलॉजिक की बातें करके इस तरह भारत से नहीं जीत सकते। पाकिस्तानियों को अगर भारत से जीतना है तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी, इनको काम करना पड़ेगा, और वो करने के लिए पाकिस्तानी तैयार नहीं है। पाकिस्तानी हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कामयाब होने के लिए, लेकिन इससे कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। और भारत के लोग नए नए प्रयोग करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं, भारत के लोग नई नई चीजें बनाकर दुनिया के सामने ला रहे हैं, और भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी ताकत भारत के लोग दुनिया को दिखा रहे हैं। बाकी दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों के IQ के ऊपर आपका क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।